नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा केतु ग्रह के गुण, धर्म और विशेषताओं के बारे में। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, केतु ग्रह के गुण, धर्म और विशेषताएं। दोस्तों, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में केतु के बारे में बताया गया है, तो केतु का काला रंग है और धुएं जैसा रंग है। केतु आध्यात्मिक मोक्ष देने वाला है। केतु मोक्ष का कारक है। केतु लंबा है और धुएं को अपनी सांस से अंदर खींचता है। केतु नाना और दादी का प्रतीक है। केतु घमंडी है, स्वार्थी है और तंत्र विद्या, इसका प्रतीक भी केतु है। केतु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो केतु से आंतरिक कीड़े, जो शरीर में कई बार कीड़े हो जाते हैं, वो चेचक, हैजा, संक्रामक रोग, ये सब केतु के कारण होते हैं। ज़्यादातर जो बीमारियां राहु की वजह से होती हैं, वही बीमारियां केतु की वजह से भी होती हैं। केतु का जो वर्ण है वो निम्न वर्ग है, शूद्र वर्ग है। केतु का लिंग स्त्रीलिंग है और केतु की दिशा दक्षिण पश्चिम दिशा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, नैऋत्य कौन है। दोस्तों, आज के अगर संदर्भ में बात करें तो केतु सन्यासियों, इनका भी प्रतीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको केतु के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।